भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और विश्व खेल जगत के सबसे प्रतिष्ठित नामों में एक महेंद्र सिंह धोनी 43 साल के हो गए हैं। सोशल मीडिया पर थाला को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वालों की बाढ़ आ गई। धोनी ने आधी रात को अपना बर्थडे केक काटा। इस दौरान उनकी पत्नी साक्षी ने धोनी के पैर भी छुए। इस छोटी सी केक कटिंग सेरेमनी के दौरान बॉलीवुड के भाई यानी सलमान खान भी मौजूद थे। धोनी ने सलमान को भी केक खिलाया। साक्षी ने धोनी के जन्मदिन समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें बर्थडे बॉय केक काटता और अपनी पत्नी को एक टुकड़ा खिलाता नजर आ रहा है। इस दौरान जिस बात ने सभी का ध्यान खींचा वह थी साक्षी का अपने पति का पैर छूना, जो इस जोड़े की दिलचस्प और प्यार भरी केमिस्ट्री को झलकाता है। इस जन्मदिन पार्टी के दौरान एक बड़ी घोषणा की गई कि धोनी की बायोपिक जिसका नाम धोनी अनटोल्ड स्टोरी है, वह जुलाई 2024 में सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होगी। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के करियर पर आधारित इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत ने लीड कैरेक्टर प्ले किया है। दुनिया को अलविदा कह चुके सुशांत के अलावा कियारा आडवाणी और दिशा पाटनी भी इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं। धोनी को अपनी पत्नी के साथ चंद घंटे पहले ही एशिया के सबसे रईस व्यक्ति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की संगीत सेरेमनी में देखा गया था। अनंत की शादी जल्द ही राधिका मंचेस्ट से होने वाली है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि बर्थडे बॉय की सेलिब्रेशन भी उसी जगह पर की गई है जहां सारे स्टार के ठहरने की व्यवस्था थी। सलमान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर धोनी के केक कटिंग सेरेमनी की तस्वीर अपलोड की है। साथ में उन्होंने लिखा है, हैप्पी बर्थडे कप्तान साहब। महेंद्र सिंह धोनी ने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था। 2019 में उन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान भारत के लिए अपना आखिरी मैच खेला। धोनी भारत के लिए 3 ICC ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र कप्तान हैं। उनके कप्तानी में भारत ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था। इसके बाद 2011 में भारतीय टीम धोनी की कप्तानी में वनडे वर्ल्ड कप जीतने में सफल रही थी। फाइनल मुकाबले में धोनी प्लेयर ऑफ द मैच भी थे। 2013 में धोनी की कप्तानी में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी अपने नाम किया था। महेंद्र सिंह धोनी ने भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन वह अभी भी IPL में खेलते नजर आते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले धोनी ने पिछले ही सीजन कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था। अभी तक धोनी अगला सीजन खेलेंगे या नहीं इसकी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन फैंस को पूरी उम्मीद है कि उनका चहेता कप्तान अगले सीजन में एक बार फिर नजर आएगा। NBTS स्पोर्ट्स के लिए ऋषिकेश कुमार की रिपोर्ट।